आज पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की जानिब से मुत्तहिदा अरब इमारात में एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें भारत की जानिब से मुमकिन जंगी तैयारियों को देखते हुए पाकिस्तान 2021 में भारत को क्या बड़ा सरप्राइज देने वाला है, इस हवाले से कुछ मालूमात शेयर की गई हैं, जिसकी मदद से इसी हवाले से मैं आपसे कुछ तफसीलात शेयर करने वाला हूं, जो यकीनन भारत पर बिजली बनकर गिरने वाली है। तो पहले बात करते हैं भारत की पाकिस्तान के हवाले से की गई मनसूबा बंदी की, जिसकी तमाम तफसीलात ISI के हाथ लग चुकी हैं, जिसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान ने इसी हवाले से क्या अहम हथियार तैयार किया है, जिसे 2021 में दुनिया के सामने पेश किया जाएगा। आपको मालूम होगा कि भारत ने रूस से S-400 दिफाई निज़ाम खरीदने का मुआहदा कर रखा है, जिसकी फराहमी भारत को 2021 के आगाज में शुरू हो जाएगी। S-400 दिफाई निज़ाम की बात करें, ये निज़ाम फिजा में मौजूद 400 किलोमीटर तक हर तरह के जहाज और मिसाइलों को नाकाम बनाने की सलाहियत रखता है। भारत रूस की जानिब से इस निज़ाम को मिलते ही पाकिस्तान के खिलाफ इस निज़ाम को इस्तेमाल करना चाहता है। भारत के इसी निज़ाम का तोड़ पाकिस्तान निकाल चुका है। पाकिस्तान 2021 में अबाबिल मिसाइल का एडवांस वर्जन अबाबिल 2 का तजर्बा करने जा रहा है। ये मिसाइल एक साथ 8 एटमी वारहेड्स ले जा सकता है, जो कि भारतीय S-400 को आसानी से चकमा देने की सलाहियत रखते हैं। इसी तरह की लेटेस्ट वीडियोस हासिल करने के लिए इनसाइड न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर और नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें।